मैंने आज तक की भारत की सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी देखी है। इसका एक्सटीरियर वाइज तो मैं कहता हूँ पूरे भारत में कोई तोड़ नहीं है। वॉल्वो देखी जो कमेंट सेक्शन में बता रहे थे G20 वगैरह, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें ये बात है यार, इसने कमाल कर दिया। मैं कहता हूँ शायद ही इंडिया की कोई स्वदेशी बस ऐसी होगी जिस तरीके से ये। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अशोक लेलैंड कंपनी है जिन्होंने मेड इन इंडिया CNG बस बनाई है, तो उसी पर ये व्लॉग है जहाँ पे ये भाई उनके फीचर्स बताएंगे, कीमत क्या है वो बताएंगे, अंदर और बाहर से ये बस हमें डिटेल में दिखाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन वीडियो। ओह माय गॉड, CNG लिखा है, इसे कहता है रियर। पूरा कंप्लीट ग्लास है इस तरह से कंप्लीट हुआ और इसका क्लस्टर वगैरह मुझे बड़ी ग्लास के अंदर ही लग रहा है। उसमें 1500 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी, मतलब मोटा मोटा 250 kg इसमें गैस आ जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके पास। जिसके सामने से कोई भी गुजर रहा है ना, तो भाई वो सबसे पहले तो ठहर रहा है और गर्दन उठानी पड़ रही है ऐसे करके, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है यार क्या चीज़ है ये। इंडिया की सड़कों पे हमने आज तक नहीं देखा। ये है अपने सामने 13.5 CNG स्लीपर बस, ऐसी आज तक मैंने नहीं देखी। लग्जरी बस, बिल्कुल प्रीमियम बस, अल्ट्रा प्रीमियम बस बहुत देखी है, लेकिन जैसी ये है ऐसी देखी। सबसे मेन चीज़ है इसकी हाइट, और इसकी हाइट का रीज़न ऐसे नहीं बना दिया कुछ भी भाई। इसकी हाइट का रीज़न है जो स्लीपर दिया है ना, वो भी भाई बैठने के लिए आपको लॉन्ग वाली फीलिंग देता है। आप हर समय थोड़ी लेटते हो, थक जाते हो। ऊपर वाला बंदा पहले तो मजे लेता है, लेकिन उसके बाद परेशान हो जाता है, लेकिन इसमें वो परेशानी दूर कर दी है। 13.5 मीटर लंबी बस है ये, देखो इस तरह से। अभी एक एक करके चीजें दिखाता हूँ इसकी। और इसमें तो आगे है ना ब्रेक है भाई, डिस्क ब्रेक लग रही है। सबसे पहले इसका लुक देखो यार, क्या बात है। ओवरऑल इसकी विड्थ की बात करो भाई, 2.6 मीटर, 2600 mm इसकी विड्थ है। बड़ा बड़ा अशोक लेलैंड, जो कि बड़ा होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि यार जैसी चीज बनाई है ब्रांड का नाम तो बड़ा बड़ा होना चाहिए। इस तरह की डिजाइनिंग, इस तरह के लुक्स कभी भी नहीं देखे। और LED लाइट्स भी बहुत प्रोटोटाइप नहीं है ये, कोई भी हमारा ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट बना दिया। ये रोड पर इसी उसमें दौड़ेगी। अभी बात करेंगे फिलहाल पैसे वैसे कितना है, लेकिन बात करें जब भाई शीशे का कोई गैजल ही नहीं है। देख रहे कंप्लीट एज टू एज आपको ग्लास दिया गया है यहाँ पर। इसकी स्पेसिफिकेशन सारी दी हुई है। और कुल मिला के बात करें कितना इंजन है इसमें, इंजन इसमें अराउंड दिया है यार कितना, 6200 cc था या कितना था, एक बार देख लेते हैं फिलहाल। अभी सर से ही पूछ लेंगे, 250 HP की पावर देता है, 900 Nm का टॉप जनरेट कर रहा है। सर कितने सीसी का इंजन था? 6.25 भाई, 6250 cc का इंजन है। अब एक बार जरा बात करें साइड प्रोफाइल की, पूरा पीछे से दिखाते हो, वैसे आपको भी मन होगा अंदर से दिखाओ। चलो भाई पहले अंदर से ही दिखा देते हैं, फिर आपको बाहर ले आएंगे। ये है कुछ इसकी एंट्री, यहाँ से उठा ये है कुछ इसका इंटीरियर का फील। सबसे पहले आप क्या देखते हो यहाँ पर, जनरली हम यहाँ पर बैठने में बड़ा अनईजी फील करते हैं जब भी हम स्लीपर में बैठते हैं। ये देखो इसमें आपको इस तरह से पूरा का पूरा हैंडरेस्ट के लिए भी कि आप बैठ सकते हो, सो भी सकते हो। निकलना थोड़ा भारी पड़ जाता है। यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया चीज है इतनी हेडरूम बहुत दे रखा है, कोई भी पर्सन इसमें बैठेगा आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जनरली सिर में टेढ़ा वेढ़ा करना पड़ता है। और ऊपर आपको डेडिकेटेड इस तरह से दिए हैं 4 AC वैन, क्या बात है, बहुत बढ़िया लाइटिंग है, इंटीरियर जबरदस्त लग रहा है। और पूरा का पूरा कंप्लीट ग्लास एरिया है, इस तरह से कंप्लीट व्यू है। और चौड़ाई की वजह से देख रहे हो कितना जबरदस्त स्पेस है, उछुर-मुछुर होकर नहीं बैठना, जैसे होगा ना चिपक-चिपक के बिल्कुल लेटना पड़ता है। तो फिर अच्छा यहाँ पर भी पूरे AC बहुत सही। और टोटल इसमें 36 सीटर है, एक इस तरह से मैनेज किया। और इसी में अगर आप लेना चाहो कि हमें ये वाला नहीं लेना, सकता स्लीपर वाला, हमें नॉर्मल बैठने वाला चेयर कार्ड होती है वो, तो भाई उसमें भी आपको मिल जाएगी 52 सीटर, बिल्कुल 52 सीटर। अच्छा लास्ट वाली जो रोज है उनमें आपको उल्टा चलेगा। इस तरह से ये है अंदर का मामला, क्या भाई क्या सेट लग रही है ना। और कैसे लोग देखेंगे इसको जब रोड पर चल रही होगी, इधर अपनी 2 हुई, इधर अपनी सिंगल हुई, 2x1 वाली इसमें सेटिंग दी हुई है। मेन चीज़ है कंफर्ट बढ़िया रहेगा। और कभी भी बिल्कुल आपको इसमें वो वाली बिल्कुल क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली, क्योंकि विंडो एरिया ग्लास एरिया बड़े बड़े दिए हैं, हेडरूम बढ़ा दिया है और एसी वेंट आपको डेडिकेटेड इतने दिए हुए हैं जिससे कोई भी क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली फीलिंग नहीं आती। और जरा आपको पॉकेट दिखाता हूं ड्राइवर, ये है कुछ ड्राइवर का पॉकेट और माय डेंजर्स वही एंड्रॉइड सिस्टम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इतना सब कुछ सारी हमने देखा है कार वगैरह में लगते हुए, बाकी मैनुअल गियरबॉक्स के साथ है और इसका क्लस्टर वगैरह वहीं पर ही ग्लास के अंदर ही लग रहा है, उसमें जैसे चाबी ऑन होती है तो लिटअप हो जाता है, वो डिजिटल फॉर्म पूरा का पूरा बाहर का व्यू देख रहा, कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट आपको यहाँ पर फील नहीं हो रहा। और अभी ये आपको इसमें मिरर वगैरह नहीं दिख रहे, तो भाई मिरर इसमें लगा दिए जाएंगे बाद में, अभी लुक देने के लिए। ओके, इसी डिस्प्ले में तो एक बार चाबी ऑन करके दिखा सकते हैं आप? हाँ, एक बार कैमरे कहाँ पर लग रहे हैं? नहीं, रियर व्यू मिरर तो हो गया, नहीं फ्रंट के जो। अच्छा, तो हमें इधर उधर सिर नहीं घुमाना, हमें वहीं पर ही दिखता रहेगा। मैम ने बहुत सही चीज़ बताई है। तो मैम एक बार क्लस्टर इसको ऑन करके दिखा सकते हैं? हाँ, एक बार वो दिखा दीजिए, क्लस्टर ऑन हो जाए। तो देखो यार, हेडलैम्प नहीं दिख रहे ना, हेडलैम्प इंटीग्रेटेड है इस तरह से, आपको कंप्लीट ब्लैक जो अपना ग्लॉसी ब्लैक वाला पैटर्न है उसी के अंदर है। बाहर से देखने में लग रही ये यहाँ पर प्रोजेक्टर दिए हुए इस तरह से, लोग ये कहेंगे ना भाई इसमें हेडलैम्प कहाँ है? डिस्क ब्रेक दी हुई है इसमें। अगर टायर साइज की बात करें 295/80 का है और इसमें डिस्क ब्रेक है। कोई भी कहेगा भाई इतने लोड पे ये चल रही है, अगर गाड़ी इतना हीट जनरेट होगा, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, है ना? तो उसके लिए भी इसमें जुगाड़ कर रखा है। जुगाड़ हम कह रहे हैं भाई, इसमें टेक्नोलॉजी दे रखी है। क्या रिटार्ड सिस्टम जो अपनी शॉफ्ट घूमती है, बस शॉफ्ट पर ही इलेक्ट्रॉनिक वे में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वे में एक फोर्स लगाया जाता है जो कि आरपीएम को कंट्रोल करता है। और अपना जो फोर्स है वो डिस्प्ले कम आता है, लोड कम आता है। CNG है, देख रहे हो, फाइबर टैंक है ये ना, टाइप फोर सिलेंडर। बिल्कुल भाई, मेरी खिंचाई करी थी लोगों ने टाइप फोर सिलेंडर को लेकर। लो भाई, इन बसेस में लग रहा है टाइप फोर सिलेंडर, तो क्रेडिबिलिटी पे कभी भी शक नहीं किया जा सकता। सबसे इस समय हाईएस्ट टॉप पे जो टेक्नोलॉजी है CNG सिलेंडर में वही है, लाइट वेट के साथ साथ ग्लास प्रूफ है, अच्छा, और जो नुकसान देता है वो ब्लास्ट ही देता है। क्या बात? तो इसमें अपनी जो CNG फिलिंग कैपेसिटी है ना, 375 लीटर के इसमें आपको मिल जाते हैं 4 सिलेंडर, जो कि टोटल कैपेसिटी देते हैं आपको 1500 लीटर की। भाई 1500 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी, मतलब मोटा मोटा 250 kg इसमें गैस आ जाएगी। एक जो वो होता है ना कैसेट चलता है, मतलब आपने ट्रक देखे होंगे CNG लेकर चलते हुए, भाई पूरा पी जाएगी एक बार में गाड़ी। उसमें 350-400 होता है छोटे वाले, उसमें बहुत बढ़िया भाई, इस तरह से है। और सर इसकी प्राइस क्या है? बहुत बढ़िया। अच्छा, वैसे अंदाज है, वैसे माने हम मोटा मोटा वो जो डीजल और CNG का जो रेशियो होता है, सेम रेशियो यहां भी रहेगा। तो डीजल में क्या है? नहीं, जो बाकी साहब बिल्कुल, मतलब बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि गर्म हो जाए, जबरदस्त वाली चीज है। और एक बार इसका वो दिखा सकते हैं सर, एक बार क्लस्टर इसका ऑन हो सकता है? क्लस्टर दिख जाए क्योंकि पूरा का पूरा इसका एक बार दिखा दें। कितना क्यूबिक मीटर है इसके? 11। ओके, विद CNG। नहीं, क्योंकि हमने अभी Volvo में देखा है वहाँ पर। लेकिन एक और चीज है जो अपना ये है डबल डेकर, जो स्लीपर बस होती है, स्लीपर बस में हमारा ये वाला लोडिंग एरिया जो नीचे होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ये चीज देखिए। हाँ, ये क्योंकि मैंने ये देखा था, मैंने ये पढ़ा भी था, मैं इसको एक्चुअली पढ़ रहा था, तो ये चीज मैं देख रहा था। जब आपको अंदर कैबिन स्पेस बढ़ाना पड़ता है तो थोड़ा सा नीचे रखना पड़ता है, हाँ, नहीं तो हाइट बहुत ज्यादा चली जाएगी। एक बार क्लस्टर एक बार दिखा दीजिए। हाँ, चलो भाई, क्लस्टर सॉलिड लग रहा है यार, इतना सेक्सी सा। दोबारा से क्या ही चीज देखो जरा, ये यहाँ पर पूरे में आपको अगर एकदम ऑन करते ही चाबी जलता हुआ दिख जाए सब कुछ अलग चीज़ लगेगी यार, है ना। और उसी में कैमरे कैमरे यार, मतलब बाहर मिरर नहीं है ना जनरली आपको बसेस में, क्या बड़े बड़े मिरर दिखते हैं, वो इसमें यही है। तो भाई टेक्नोलॉजी अलग लेवल पे जाती जा रही है, हम देखते रहेगा कार वगैरह। और जो बसेस हैं, बसेस प्रीमियम से अल्ट्रा प्रीमियम हो गई, नेक्स्ट लेवल पे चली गई। और अब तो क्या ही क्या होता है, ओ माई गॉड, इसे कहता है रियर भाई साहब यार, इसे मैं लास्ट तक क्यों छोड़ा, ये चीज़ तो शुरुआत में लाने वाली है। वॉल्वो वालों सीखो, वॉल्वो ने फ्रंट में जबरदस्त काम किया, इंटीरियर लाजवाब, लेकिन रियर में वो वही अपना वॉल्वो वाला डिजाइन किया उन्होंने। लेकिन अशोक लेलैंड क्या काम किया भाई, डिजाइनिंग टीम अल्टीमेट काम किया है, क्या गजब लग रही है। अभी ये यहाँ डिस्टेंस होता है ना ज़्यादा, तो भाई आपको दिखाता मैं, क्या लाजवाब चीज़ लग रही है ये, बहुत सही यार, यूनिक डिजाइन। मेरे जैसे बंदे तो वाकई में इसके पास मिल जाए वैसे पागल हो जाए। है थोड़ी सेंसिटिव, अगर इमेजिन कर, तू सब छोड़, इमेजिन कर ये बंदे के पास हो और बंदे की फैमिली या बंदे की फैमिली के साथ जितने लोग हैं या दोस्त सारे इस स्लीपर बस, लग्जरी बस में, क्या बात है। शेयर करना वजह जैसी बसें मैंने जिंदगी में नहीं देखी, तो मैंने वीडियो में देखी है जी, अमेरिका में, यूके में, उधर भी नहीं होती, हाँ उधर भी ये बसें नहीं है। और भाई मर्सिडीज की मैंने बसेस थोड़ी बहुत देखी हैं, आज तो अशोक लेलैंड ने भाई मर्सिडीज को भी पीछे छोड़ दिया, क्या चीज़ बनाई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे वो मिरर वाला देखना था स्क्रीन पे कि वो कैसा फीचर इन्होंने इंटीग्रेट किया है इस बस में। मैंने गाड़ी में तो देखा है लेकिन बस में अभी तक नहीं देखा है, तो वो मुझे देखना था लेकिन नहीं दिखा है इस वीडियो में। होपफुली आने वाले कुछ समय में ऐसा कुछ वीडियो आएगा तो देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक बात रही डिज़ाइन की, तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है, बाहर से आगे से तो क्या ज़बरदस्त लुक दिया है, एकदम मिनिमलिस्टिक है। वो कोई लोगो या ऐसा भी कुछ वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम मिनिमलिस्टिक रखा है। और चारों ओर जैसे ग्लास लगे हुए ऐसा ही लगता है, वो ऊपर तो ग्लास ही है लेकिन नीचे की बॉडी भी इस तरह की है कि वो ग्लास पे पेंट किया हुआ है ऐसा लग रहा है। और मिरर्स नहीं है तो उससे भी लुक अच्छा आ रहा है। और इवन पीछे से भी वो सिग्नल वाला जो एलईडी लाइट है वो भी बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ है। और आगे भी लाइट्स तो वो ग्लास में ही कवर्ड है, तो वो भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और अंदर भी बहुत ही स्पेशियस लग रहा है, वहाँ पे अंदर भी सेम डिज़ाइन बहुत ही मॉडर्न है और वेरी मिनिमलिस्टिक है। तो और स्पेस भी ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कि अगर आपके बाजू में कोई है तो आप स्पेस के लिए उनके साथ कुछ ऐसा हो सके। और बीच में डिवाइडर भी है और ऊपर जाने के लिए वो स्टेप्स भी दिए हुए हैं। और अंदर भी सब एलईडी लाइट्स ही लगी हुई है, सेपरेट एसी कंट्रोल है सबके लिए। अगर आपको एसी नहीं पसंद है और कम पसंद है तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको ये कैसी लगी बस, तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।